हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलिगेशन का पार्ट 4 देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि गाय मुर्गा पर आधारित क्वेश्चन, और दूसरा टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे शेष दूध की मात्रा वाला क्वेश्चन। ठीक है। और जब पार्ट 3 बनाए थे एलिगेशन का, तो उसमें दो वो होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन, जो इस वीडियो को लास्ट में सोल्यूशन करेंगे। तो अभी देखिए इस वीडियो का पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन, जो गाय मुर्गा पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए पहले दो को फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला दो को याद रखिएगा। इसमें इस ऐसा टाइप क्वेश्चन में दो जानवर रहेंगे, एक रहेगा 4 पैर वाला जानवर और एक रहेगा 2 पैर वाला। ठीक है। तो 2 पैर वालों की संख्या और 4 पैर वालों की संख्या के लिए फॉर्मूला सीख लीजिए। अगर 2 पैर वालों को पूछेगा 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या, और या तो पूछेगा 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमको क्या पढ़ना है, 2 पैर वालों की संख्या 4 पैर वालों की संख्या निकालना रहे तो फॉर्मूला लगाइएगा लेग माइनस हेड बटा 2। इसमें भी लगाना है लेग माइनस हेड बटा 2। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि दोनों चीज सेमी हो गया, लेग माइनस हेड बटा 2, लेग माइनस हेड बटा 2। लेकिन अगर 2 पैर वालों की संख्या निकालना रहे, देखिए इसमें 4 से गुना कीजिएगा, इसमें 4 से, यानी हेड में 4 से गुना, और अगर 4 पैर वालों की संख्या निकालना रहे तो इसमें 2 से गुना करेंगे। यानी 2 पैर वालों की संख्या के लिए फॉर्मूला निकलेगा लेग माइनस 4 गुना हेड बटा 2, और अगर 4 पैर वालों की संख्या निकालिएगा तो निकलेगा लेग माइनस 2 गुना हेड बटा 2। अगर इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आपको गाय मुर्गा पर आधारित क्वेश्चन सही बन जाएंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन बोला है इसमें कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। देखिए मुर्गिया के 2 पैर होता है, एक मुर्गी के कितना पैर, 2 पैर, और गाय के कितना पैर, एक गाय के 4 पैर। यानी यहाँ पर दो टाइप के है, एक मुर्गी है 2 पैर वाला, एक है गाय है जो 4 पैर वाला। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है, यानी कुल हेड कितना मिला है 50, ये क्या निकला है कुल हेड, यानी गाय और मुर्गा को कुल मिलाकर कितना संख्या 50, और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या कुल कितना है 142, यानी गाय और मुर्गा के मिला करके सभी को मिला करके कुल पैर कितना निकला 142, यानी लेग। तो गायों की संख्या कितना, यानी गाय की संख्या निकालना है, गाय की संख्या किसका 4 पैर, यानी गाय का 4 पैर होता है, 4 पैरों की संख्या निकालना हमको। ठीक है। गाय यानी कितना 4 पैर, तो लगाइए क्या लेगा लेग, तो लेग कितना यहां से दे दिया है तो 142, तो 142 माइनस, अब हेड करना है तो हेड कितना 50। अब देखिए 4 पैर वाले की संख्या निकालना है, 4 पैर वाला तो कितना से गुना करेंगे, यहां 2 वाला से गुना कर लेंगे, यानी ये 2 से गुना बटा में 2 से भागा। देखिए 142 में से 50 गुना 2 कीजिएगा तो 100, तो 142 में 100 घटाइए तो कितना जाएगा यहाँ से 42, और 42 बटा 2 कितना जाएगा 21, यानी 21 क्या गया गाय की संख्या, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा एक नंबर। ठीक है। तो इस तरह से 2 पैर वाला और 4 पैर वाला संख्या आप निकाल सकते हैं। 2 पैर वाला में हो सकता है दे देगा मुर्गी, मुर्गी मुर्गा दे देगा, कबूतर दे सकता है। ठीक है। और गड़ेरिया दे सकता है, गड़ेरिया बोलता है, भेड़ के चरवाहे गड़ेरिया बोलते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर रहेगा गाय रहेगा या बकरी रहेगा, तो इस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो 2 पैर वालों की संख्या के लिए लेग माइनस हेड गुना 4/2, और 4 पैर वालों की संख्या के लिए लेग माइनस हेड गुना 2/2। ठीक है। इसे आप निकाल लीजिएगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है रमेश के पास कुछ कबूतर और कुछ बकरियां हैं। बताइए एक कबूतर के कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, और एक बकरी के कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, यानी 2 हो गया यहाँ, एक एक 2 पैर वाला और एक 4 पैर वाला। यदि कुल जानवर 59 है, यानी कुल जानवर कितना हो गया कबूतर और बकरी मिलाकर कितना 59 है, यानी 59 है, यानी हेड हो गया 59, यानी ये क्या निकला हेड, ये क्या निकला हेड, हेड कितना हो गया कुल मिलाकर 59, और उनके पांवों की कुल संख्या 190, पांव मतलब क्या लेग, यानी कुल पांव कितना हो गया लेग 190, तो उसके पास कितनी बकरियां हैं। देखिए बकरी की संख्या निकालना है, तो बकरी की संख्या निकालने के लिए क्या निकालिएगा 4 पैर वाले की संख्या, 4 पैर
वालों की संख्या, यानी चार पैर वालों की संख्या निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा, बकरी की संख्या। बताइए लेग माइनस हेड गुना दो बटा दो लगाइएगा तो लेग कितना है 190 माइनस हेड कितना है 59 गुना दो बटा दो। देखिए ये कितना हो जाएगा तो 190 माइनस और हो जाएगा 9 18 15 से 9 18 करने 15 से 11 118 बटा दो। अब घटा लीजिए 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटा जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है 1 में से गया 0 यानी 72 बटा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है यानी कितना आ गया 36। तो क्या निकल गया है 36 यानी बकरी की संख्या, तो टोटल बकरी की संख्या कै गो है 36 गो, ठीक है 36 गो यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर। आई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन में है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, बताइए कुछ मुर्गी और गाय इनके पैरों की संख्या 140 यानी टोटल पैर कितना है 140 यानी टोटल हेड निकल गया, टोटल लेग निकल गया, टोटल लेग कितना निकल गया 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, सिर मतलब क्या रहता है यहाँ पर तो हेड यानी टोटल हेड कितना 48। तो मुर्गी की संख्या क्या है, मुर्गी यानी कितना दो पैर वालों की संख्या, दो पैर वालों की संख्या, दो पैर वालों की संख्या, मुर्गी के दो पैर होता है एक मुर्गी के, तो कितना मुर्गी होगा टोटल लगाइए लेग माइनस हेड अगुना चार बटा दो, तो लेग कितना हो गया 140 माइनस हेड कितना हो गया 48, 48 गुना चार भागा दो कीजिएगा। देखिए ये 140 माइनस 48 गुना चार कीजिए तो कितना जाएगा 8 4 32 दो 3 4 4 16 3 19 192 बटा दो। अब देखिए 192 में से 140 घटाइएगा तो कितना जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 52 बटा दो। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर 192 माइनस में ज्यादा है 140 कम है प्लस में, तो घटाइए तो माइनस में आना चाहिए लेकिन संख्या का होता है किसी का संख्या माइनस में नहीं होता है, ठीक है तो इसको प्लस में मानेंगे, यानी यहाँ पर हमको जब आंसर आएगा माइनस या प्लस में तो उससे कोई मतलब नहीं रखना है, यानी कितना जाएगा 26 आ रहा है माइनस 26 लेकिन लेना कितना 26, तो 26 हो जाएगा यहाँ पर मुर्गी की संख्या, ठीक है काहे कि कोई भी संख्या किसी का संख्या यानी गाय बकरी जानवर कुछ भी हो ये सब का संख्या माइनस में नहीं होता है, कुछ ना कुछ मान होता है तो एक गो दो गो तीन गो चार गो कुछ भी तो प्लस में, तो यहाँ पर आप माइनस में भी आएगा ना तो उसको प्लस में ही मानना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन रहता है, चौथा क्वेश्चन के लिए कुछ थ्योरी समझ लीजिए, यहाँ तक आप चेंज कर गया है। देखिए मानता है कि जैसे एक बर्तन है, एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा हुआ है, ठीक है इसमें शुद्ध दूध है, तो शुद्ध दूध जो है मिल्क शुद्ध मिल्क यानी पूरा प्योर मिल्क इसमें है तो कितना दे दिया 80 लीटर, इसी आधार पर क्वेश्चन मान लेते हैं 80 लीटर है, ठीक है 80 लीटर है। अब क्या कहता है ना कि इसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया, क्या हुआ 8 लीटर दूध निकाल लिया और इसमें जितना निकालेगा उतना ही पानी डालेगा वाटर डालेगा, कितना 8 लीटर डालेगा तो प्लस यानी डाल रहा है, फिर क्या करेगा फिर मिश्रण निकालेगा फिर 8 लीटर और फिर इसके बदले पानी डालेगा, ठीक फिर पानी डालेगा 8 लीटर यानी जितना मिश्रण निकलेगा उतना ही उसमें वाटर डालेगा, ठीक है तो लास्ट में पूछेगा कि शेष दूध की मात्रा कितना होगा, ठीक है शेष दूध की मात्रा, तो शेष दूध की मात्रा पूछेगा लास्ट में, बताइए शेष दूध की मात्रा लास्ट में कितना रहेगा यह प्रक्रिया किया जाए 2 बार या 3 बार 4 बार जितना बार पूछे। देखिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि शेष दूध की मात्रा हम सब लिख देते हैं, शेष दूध की मात्रा बराबर क्या होता है तो याद रखिएगा शेष दूध की मात्रा के लिए फॉर्मूला ए इंटू 1 - b/a पावर एन, ठीक है ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी शेष दूध की मात्रा के लिए क्या लगाइएगा ए इंटू 1 - b/a के पावर एन। देखिए जहां जहां ए क्या है तो ए जो रहेगा ना वो प्रारंभिक मात्रा रहेगा, प्रारंभिक मात्रा, ठीक है प्रारंभिक मात्रा मानिएगा यानी टोटल पहले मात्रा कितना है, बी हर बार निकाली गई मात्रा, हर बार निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा मानिएगा, और एन क्या हो जाएगा तो प्रक्रियाओं की संख्या, प्रक्रियाओं की संख्या, प्रक्रियाओं की संख्या। अब प्रक्रिया क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए जो दूध था यहां पर
तो ये निकला इसमें से, ठीक है, इसमें से कुछ निकला और उतना ही पानी डला गया, तो एक प्रक्रिया होगा, निकला और उतना ही पानी डलाया, ठीक है, वही प्रक्रिया होगी, यानी ये एक प्रक्रिया कहलाएगा, ठीक है, यानी एक बार निकलेगा और उतना ही पानी डलाएगा तो एक बार प्रक्रिया, फिर अगर निकलेगा उतना ही पानी डलाएगा तो दो प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रक्रियाओं की संख्या, यानी कई बार अदला बदली किया गया है। तो लगाइए यहां पूछा, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उनमें से 8 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पता ये 80 लीटर दूध था, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया तो कितना बचा था, 72, और उतना ही पानी मिला दिए तो 72 में फिर 8 लीटर पानी चला गया तो कितना हो गया 80, यानी मिश्रण 80 हो गया, लेकिन दूध क्या होगा कम गया होगा और पानी बढ़ गया, पानी चला गया उसमें। यही प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई, यानी एक बार तो पानी हो चुका है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, यही प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई। दो बार और मतलब क्या, अलग से, यानी एक बार जो हो गया 80 लीटर दूध था उसमें से 8 लीटर दूध निकला और उसके अंदर पानी डला गया, तो एक प्रक्रिया हो गया, और यही प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई। कह रहा है बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी ले जाएगी, तो शेष दूध की मात्रा क्या लगाएगी, फॉर्मूला ए इंटू 1 - b/a^n, यहाँ ए क्या है प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा कितना था 80 लीटर दूध था, तो 80 हो जाएगा यहाँ पर 1 - b, b क्या है हर बार निकाली गई मात्रा, तो हर बार कितना निकल रहा है 8 लीटर, तो 8 / a, a का मान कितना 80। अब कह रहा है यहाँ पर कि n, तो कह रहा है n का मान क्या हो जाएगा प्रक्रियाओं की संख्या, तो क्या प्रक्रिया हुआ, कह रहा है दो, यही प्रक्रिया दो बार और एक बार पावर में, तो कई बार 3 बार, इन पावर में कितना 3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा निकल जाएगा मान, आ जाएगा यहां से 80, ठीक है, ये कट जाएगा 8 / 80, देखिए 1 में से 1/10 घटेगा तो कितना जाएगा 9/10, ये करेगा 9/10 × 9/10 × 9/10 कई बार 3 बार कट जाएगा, यहां से 1 0 6 0 काट लीजिएगा, अब काट लीजिए 9 × 9 × 9 × 8, ये गुना करके और 10 × 10 कितना 100, दो अंक वाला दशमलव बैठा देना है, निकल जाएगा आंसर, यानी इसका निकल के आ जाएगा आंसर कौन सा, बी नंबर, इसका आ जाएगा यहां से 58.32 लीटर, यानी शेष दूध की मात्रा कितना बचा 58.32 लीटर, यानी 80 लीटर पहले जो शुद्ध दूध था उसमें निकला दूध पानी डलाया, फिर मिश्रण निकला फिर पानी डलाया, फिर पानी मिश्रण निकला फिर पानी डलाया, तो 3 बार हुआ, तो लास्ट में शुद्ध दूध कितना बचा 58.32 लीटर, यानी इसमें पानी कितना मिलाया होगा, तो पानी कितना मिलाएंगे, तो टोटल 80 लीटर था उसमें दूध बच रहा इतना ही, दोनों का अंतर कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा पानी की मात्रा निकल जाएगा। तो अगर पूछता है कि कितना पानी डाला गया होगा तो दोनों का अंतर करेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज्यादातर पूछता है क्वेश्चन कि शेष दूध की मात्रा कितना रह गया, तो शेष दूध की मात्रा के लिए यही फॉर्मूला लगाकर जो आंसर आ जाएगा वो आंसर मार देंगे निकल जाएगा सही हो जाएगा। आइए 5वां नंबर, इसी तरह क्वेश्चन करा है, किसी बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, यानी टोटल कितना 81 लीटर, तो एक आ जाएगा ए का मान हो जाएगा, एक आ जाएगा ए का मान, उसमें 1/3 दूध निकाल कर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, बताइए 81 का 1/3 कीजिएगा, 81 का 1/3 तो कितना जाएगा 27, यानी 27 लीटर हर बार निकलेगा, यानी 27 लीटर निकलेगा उसको जो है पानी डालेगा, ठीक है, पुनः उस मिश्रण में से 1/3 मिश्रण निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो दूध और पानी का इसे पूछा है, तो लगाइए शेष दूध की मात्रा कितना रह जाएगा, शेष दूध की मात्रा क्या लगाइएगा, a × 1 - b/a^n, a का मान कितना हो जाएगा 81 × 1 - b, b का मान कितना 27/81 पावर में कई बार, तो देखिए एक बार पहले हुआ फिर पुनः एक बार करा, यानी एक एक दो बार, तो इकट जाएगा 27 / 81, यानी आ गया 81 गुना 1 में से 1/3 घटाया तो कितना जाएगा 2/3 × 2/3 देखिए ये काट लीजिएगा यहां से 3 * 3 = 9 / 9 = 81 यानी आगे 9 × 18 = 36 यानी शेष दूध इसमें कितना बचा है 36 लीटर यानी पानी कितना हो जाएगा, तो बताइए पानी कितना हो गया इसमें निकाल सकते हैं आप कि 81 लीटर टोटल मिश्रण इसमें दूध कितना है 36 लीटर यानी कितना पानी डाला गया होगा, तो घटाइएगा ना तो 5 + 7 = 4 45 लीटर पानी डाला गया है, ठीक है 45 लीटर, बताइए दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा 36 और 45 का रेशियो निकाल लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 9 * 36 और 9 * 5 = 45,
यानी कितना का रेशियो में, 4:5 के रेशियो में, यानी ऑप्शन कौन जाएगा यहां से, डी नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ शेष दूध की मात्रा निकालने फार्मूला से, तो शेष दूध निकल गया 36 लीटर, अब 81 लीटर में 36 लीटर घटा लीजिए, यानी पानी कितना डाला गया 45 लीटर, तो 36 और 45 का रेशियो कितना, 4:5। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ रेशियो में पूछ रहा है, तो इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो इसी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट समय लग जाएगा, इससे आसान हो जाएगा थोड़ा सा जो बता रहे हैं उसको रूल समझ लीजिएगा, अगर अनुपात में पूछेगा तब उसके लिए। देखिए इसमें समझिए कि उसमें एक तिहाई दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, यानी जितना रहे, यानी बर्तन में जितना ही पानी रहे उसका कितना निकलता है, एक तिहाई, यानी कितना, 1/3। 1/3 करने का मतलब कि अगर 3 लीटर में उसमें दूध होगा तो 1 लीटर निकलता होगा, है ना, तो यदि 1/3 भाग निकलता है तो बचेगा कितना, इसका शेष कितना जाएगा। ठीक है, इसका शेष निकालिएगा, यानी इसमें रहता हुआ कितना, तो घटाइएगा 3 में से 1 जाएगा तो कितना, 2/3 होगा, 2/3, तो गुना कर लीजिए, तो 2/3 को गुना कीजिएगा तो 2/3 शेष दूध बचा, जितना उनका टोटल का 2/3 भाग बचेगा दूध, इकाई बार में, एक बार में, फिर बचेगा कितना, 2/3 भाग बचेगा, फिर 2 बार में, तो 2 बार गुना कर लिए, 2 बार बोला था, 2 बार गुना कर लिए तो कितना आ गया, 4/9। 4/9 कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर टोटल 9 लीटर आता होगा, टोटल 9 लीटर, तो उसमें दूध कितना बचेगा, 5-4 लीटर, यानी पानी कितना डाला गया होगा, आप समझ सकते हो ना, समझिए कि 9 लीटर में 4 लीटर दूध बचा हुआ है तो पानी कितना डाला गया होगा, तो 4:1 मिल का रेशियो हो गया, और वाटर करना तो 9 से 4 करना 5, यानी 4:5 के रेशियो में इस तरह से निकालोगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, भीम लेके चलाइए कि एक तिहाई दूध निकाला गया, एक तिहाई मतलब 1/3 भाग निकल गया, तो बचा कितना, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग दूध बचा, ये ऐसा कई बार, 2 बार, तो 2 बार गुना कर ले तो 4/9, यानी 9 लीटर में 4 लीटर दूध बचा है, यानी पानी कितना डाला गया होगा, तो 9 - 4 करना 5, यानी 5 लीटर पानी और 4 लीटर दूध, यानी रेशियो करना 4:5 का। ठीक है, तो चलो तो इस तरह से बनाइए या फार्मूला वाला यूज करके बनाइए, दोनों तरह से बन जाएगा क्वेश्चन। आइए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर में देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का वर्ग पलट दिया है। ठीक है, इसमें पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए दूध का प्रारंभिक मात्रा कितना था या हर बार निकाली गई मात्रा कितना था, इसका पूछेगा जब दे देगा लास्ट में कि शेष दूध और पानी का रेशियो इतना के रेशियो में बचा था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए देखिए थोड़ा सा, यानी शेष दूध वाला से फार्मूला से निकला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा खाली क्वेश्चन चेंज हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तुरंत एकदम आसान हो जाएगा, एकदम बहुत आसान है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनेगा, कह रहा पानी से भरा बर्तन से, यानी बर्तन है वो, ये बर्तन जो होगा ये पूरा पानी से भरा है, अब कितना लीटर है इसमें ये नहीं पता है, लेकिन बोला कि पानी से भरा एक बर्तन है, से 9 लीटर पानी निकालकर, यानी जितना भी इसमें पानी टोटल होगा उसमें से 9 लीटर, यानी निकलेगा कितना पानी 9 लीटर, बर्तन को दूध के द्वारा भर देता है और इसमें पानी निकाल कर क्या भरेंगे, दूध भरेंगे, कितना जितना निकाले उतना ही, फिर 9 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को दूध से भर दिया था, यानी फिर इसमें से मिश्रण निकलेगा और फिर इसमें दूध भराएगा, तो शेष पानी एवं दूध की मात्रा का अनुपात 16:9 है, तो शुरू में पानी की मात्रा लीटर में क्या था, यानी शुरू में कितना इसमें लीटर था ये पूछ रहा है, यानी एक अमान पूछ रहा है, शुरू में क्या पूछा है, एक अमान पूछ रहा है इसमें। ठीक है, यानी शुरू में मात्रा कितना था पानी का, एक अमान निकालना है। देखिए जब अनुपात में दे दिया जाए कि शेष दूध और पानी का रेशियो इतना है, तो देखिए इसको ये क्या कीजिएगा, लगाइएगा फार्मूला, हम लोग जाने थे a (1 - b)/a^n, देखिए क्या बताए थे a(1 - b)/a^n, तो आप खाली क्या कीजिएगा 1 - b)/a^n लगाना है। ठीक है, 1 - b)/a^n लगाना है, a जो यहां पर आएगा ना इसको छोड़ दीजिएगा, और बराबर में, ठीक है बराबर में जो रेशियो रहेगा, तो इका है शेष दूध और ये क्या है पानी, तो शेष दूध ऊपर में रहने दीजिएगा 16, और नीचे का कीजिएगा दोनों को जोड़ देना है खाली, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 जोड़ कर लिख देना है, यानी देखिए ये 25 क्या था टोटल, दोनों को जोड़ेंगे दूध और पानी को जोड़ दिए तो क्या निकला टोटल मिश्रण निकल गया, टोटल मिश्रण कितना 25 था, यानी यहाँ वाला 25 यहाँ चलाया है। ठीक है, लेकिन ये 16 क्या शेष दूध, और शेष दूध का फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी अगर इसी को क्या आ जाए तो ऐसे कह सकते हैं 25, 16 और 9 कितना 25, यानी दूध और पानी जोड़ेंगे टोटल मिश्रण 25, 1 - b/a, a का मान कितना यहां से जाएगा, रेशियो में था तो रेशियो में कोई जरूरी नहीं है, तो यहां जाएगा a और यहां से 16, ये वाला 25 कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला यहां नहीं लिखना है, ये वाला आप याद रखिएगा कहां लिखना है, बट्टा में लिखना है, ये 25 बट्टा में लिखना है।
लगा सकते हैं इसको, वन माइनस बी बटा के ए पावर एन बराबर क्या करना है, तो शेष दूध ऊपर में और नीचे में दोनों को जोड़कर 16 नौ करना 25, अब वन माइनस बी का मान कितना था 9 बटा ए का मान निकालना है और एन कई बार 2 बार बटा 16 बटा 25। देखिए ये 2 जो है स्क्वायर अगर बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो 16 और 25 का रूट कितना हो जाएगा, तो 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5, तो यानी 4/5 कह सकते हैं 1 - 9/a = 4/5। अब देखिए 9/a माइनस में तो इधर इधर लेके चलाएंगे तो प्लस में, और 4/5 प्लस में, इधर ले जाएंगे माइनस में, यानी हो जाएगा 1 में से 4/5 हटेगा कितना 1/5 बराबर 9 कितना a, तिरछा गुना कीजिएगा तो a बराबर कितना आ गया 9 × 5 = 45। ये क्या देगा 45 लीटर। a क्या माने थे प्रारंभिक मात्रा, यानी पानी का प्रारंभ में मात्रा कितना था 45 लीटर था, यानी आंसर कौन जाएगा यहाँ पर ए नंबर, आंसर ए नंबर जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है जब अनुपात में दे दिया जाए कि शेष दूध और पानी का रेशियो इतना है तो प्रारंभिक मात्रा कितना, तो उसके लिए लगाइएगा 1 - b/a / n बराबर, ठीक है, शेष दूध, तो शेष दूध के अनुपात में 16 बटा में दोनों को जोड़कर, बटा में क्या करना है दोनों को जोड़कर आपका मान निकल जाएगा। आइए हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर में है एक जग में आम का जूस रखा हुआ है, एक जग है, एक जग में क्या हुआ है पूरा आम का जूस रखा हुआ है, इसमें 10 लीटर जूस को 4 बार उतने ही पानी के साथ बदला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ 4 बार, यानी पहले एक बार जूस निकला 10 लीटर, ठीक है, और इसके स्थान पर इसमें पानी डाला गया उतना ही 10 लीटर, फिर मिश्रण 10 लीटर निकला और फिर इसमें जाएगा, फिर निकलेगा, फिर इसमें जाएगा, फिर निकलेगा, फिर इसमें जाएगा, ठीक है, यानी ऐसा ऐसा 4 बार हुआ है, तो 4 प्रक्रिया हुआ है, यानी एक बार निकला फिर पानी गया तो एक प्रक्रिया, फिर दोबारा निकला और उसमें पानी गया दो प्रक्रिया, फिर निकलेगा फिर पानी जाएगा तीन प्रक्रिया, फिर निकलेगा फिर पानी जाएगा तो 4 प्रक्रिया। तो कह रहा है कि बचे हुए जूस और पानी का अनुपात 81:175 है, तो जग में जूस का वास्तविक मात्रा कितना था, वास्तविक मतलब प्रारंभिक मात्रा, यानी जग में पहले कितना जूस रखा हुआ था, तो क्या कीजिएगा, देखिए रेशियो आ गया, ये हुआ क्या 81:175 क्या है, तो शेष जूस और पानी का रेशियो है, यानी ये जूस हो गया और ये पानी हो गया, ठीक है, तो शेष जूस के लिए लगाइए 1 - b/a / n, और यहां का कीजिएगा तो 81 शेष जूस निकाल रहे हैं तो ऊपर में बटन में दोनों को जोड़कर, बटन में क्या कीजिएगा दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़िएगा 81 और 175 तो कितना जाएगा 256, लगाइए फॉर्मूला पर, तो 1 - b, तो b क्या था हर बार निकाली गई मात्रा, तो कितना निकल गया हर बार 10 लीटर बटा a में ही पता है तो a निकालना है, पावर में n, n कई बार, तो कह रहा है 4 बार, कई बार 4 बार, तो ऊपर में 4 और 81 कितना 256। अब देखिए 4 कहां जाएगा इधर, तो इधर जाएगा क्या होगा फोर्थ मूल हो जाएगा, यानी 81 का फोर्थ मूल निकालेंगे और 256 का फोर्थ मूल निकालेंगे, 1 - 10/a, बताइए 81 का फोर्थ मूल कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और 256 का फोर्थ मूल कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का पावर 4 का मान कितना 256 और 3 के पावर 4 का मान कितना 81। अब देखिए 10/a को इधर लेके चलाइएगा तो प्लस में और 3/4 को उधर लेके चलाइएगा तो माइनस में, तो 1 में से 3/4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 10/a, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा इन ए बराबर कितना 40 लीटर। ए क्या था तो प्रारंभिक मात्रा था, यानी जग में शुरू में कितना जूस था आम का तो 40 लीटर था, यही आपका आंसर आ गया, यानी कौन सा जा रहा है बी नंबर 40 लीटर। आइए हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा एक बर्तन में 65 लीटर शुद्ध दूध है, यानी 65 लीटर शुद्ध दूध है, निकाल गया ए का मान हो गया शुद्ध दूध कितना 65 लीटर, हमने 1 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और यह प्रक्रिया और दो बार की, तो अब उसमें दूध और पानी का अनुपात 64:61 है, तो x का मान कितना है, x क्या कहा है यहाँ पर तो हर बार निकाली गई मात्रा है x, ठीक है, देखिए हो जाता है कितना शेष दूध और पानी का 64:61 का, तो लगाइए 1 - b, b का मान कितना x बटा a का मान दे दिया कितना 65 पावर, तो पावर क्या हुआ, तो कह रहा है
उतना ही पाया, यह प्रक्रिया और दो बार की, और दो बार मतलब क्या है, तीन बार, यानी एक बार पहले और दो बार यानी तीन बार। तो चलिए आ गया यहां से, अब क्या कीजिएगा यहां से, तो शेष दूध के मात्रा यहां से निकल रहा है, शेष दूध के मात्रा 64, बटन का कीजिएगा दोनों को जोड़ना है, यानी 4 × 5 और 6 × 6 = 12, 125। देखिए ये क्यू कहां जाएगा, इधर, तो कहां निकल जाएगा घनमूल, यानी हो जाएगा 1 − x/65 बराबर, तो 64 कितना का हो जाएगा क्यू, तो हो जाएगा यहां से 4 का क्यू 64, और 125 कितना क्यू, 5 का, यानी 125 का घनमूल 5 और 64 का घनमूल 4। अब घटा लीजिए यहां से, तो 1 − 4/5 घटेगा तो कितना, 1/5 बराबर 1/65। अब नीचे नीचे काट सकते हैं बराबर है, तो 13 यानी x बराबर कितना गया, 13 लीटर, यानी x का मान कितना जाएगा, 13 लीटर। कौन सा जा रहा है, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी। देखिए इसको अगर पूरा वीडियो देख लिए हैं आप, तो समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन, यानी आज दो टाइप का क्वेश्चन आपको पूरा पूरा बन जाएगा, पूरा कन्फर्म है, ठीक है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता था, शेष दूध की मात्रा वाला में एक अनुपात में देना था, या तो पूछता था प्रारंभिक मात्रा पूछ लेगा इसमें अनुपात दे रहेगा था, या तो फिर शेष दूध की मात्रा पूछेगा, और एक टाइप बताएं आपको गाय मुर्गा पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का वीडियो देखे हैं तो नौवां क्वेश्चन और दसवां क्वेश्चन आज का आप हमको बना करके कमेंट में जरूर बताएगा कि आंसर कितना आ रहा है, और इसका सोल्यूशन हम अगला वीडियो में जब चालू करेंगे एवरेज तब बताएंगे। आज एलिगेशन का लास्ट वीडियो था, ठीक है, आपका एलिगेशन समाप्त हो गया है, इससे अधिक नहीं पूछेगा। अब अगर चार वीडियो देख लेते हैं, तो चार वीडियो का अगर पूरा पूरा आप समझ जाते हैं, तो समझिए कि आपका एलिगेशन पूरा पूरा बन जाएगा। चाहे तो कोई भी एग्जाम दीजिए, पीटी मेंस कहीं का भी कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, सब टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। तो आपका नौवां नंबर और दसवां नंबर, नौवां और दसवां होमवर्क रह गया है, इसको आपको बना करके हमको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगा आपको कि मतलब आपका नॉलेज अच्छा मिल रहा है, अगर कंसेप्ट अच्छा मिल रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में कर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो पढ़ने में, ठीक है। और ये है दसवां क्वेश्चन, खरगोश और कबूतर है, तो खरगोश के 4 पैर होता है, कबूतर के 2 पैर होता है, यहाँ दे दिया है कि सिर गिरने जा रहे 200, यानी टोटल सिर है 200, टोटल हेड है 200, और पैर है तो टोटल कितना 580, तो पूरा कबूतर की संख्या, कबूतर यानी कितना पूछ रहा है, 2 पैर वाला, तो इसको भी बना करके आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, बन जाना चाहिए। आप नहीं बनता है तो बार बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा कि किस तरह से बना है, बनेगा, ठीक है। और देखिए कल का जो वीडियो बनाए थे पार्ट 3 का, एलिगेशन का पार्ट 3, उसमें 2 होमवर्क दिए थे, तो उसका सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये है पार्ट 3 का वीडियो, पार्ट 3 का क्वेश्चन। तो पार्ट 3 में देखिए कह रहा है 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध तथा पानी क्रमशः 5:3, 2:1 और 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है, तो किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। देखिए ये पहला बर्तन मान लीजिए, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन और चौथा बर्तन, ठीक है। देखिए इसमें कितना है, तो कह रहा है दूध तथा पानी क्रमशः, तो मिल्क और वाटर का रेशियो में 5:3 में रहेगा, इसमें रहेगा मिल्क और वाटर कितना, 2:1 का रेशियो रहेगा, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो 3:2 का रेशियो है, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो 7:4 का रेशियो है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है किस पात्र में, मेन यहां पर है, कह रहा है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। थोड़ा सा याद कीजिएगा, रेशियो में हम बता दिए थे कि जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर में रखना है, और जिससे तुलना करेगा उसको नीचे में रखना है, ठीक है। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर में रखना है, और जिससे तुलना करेगा उसको नीचे में रखना है। तो कह रहा है यहां पर क्वेश्चन देखिए, किस पात्र में यानी किस बर्तन में पानी के सापेक्ष, ध्यान दीजिए, पानी के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब क्या हो जाएगा, तुलना, यानी पानी के तुलना दूध की मात्रा सबसे कम है, यानी किसके बारे में पूछ रहा है, दूध के बारे में, तुलना किससे, पानी से, तो दूध का मान निकालना है और किससे तुलना करके, पानी से, तो दूध रहेगा ऊपर और पानी रहेगा नीचे। बताइए पहला बर्तन में दूध है कितना, 5, और पानी है कितना, 3, तो 5/3, देखिए इसको काटिएगा तो कितना जाएगा यहां से, आ जाएगा 3×1 = 3, यहां बचिएगा कितना, 2×3 = 18, यानी 1.6, यानी लगभग में कितना कह सकते हैं, 1.6, इसको लीजिएगा। दूसरा बर्तन में मिल्क है कितना, 2,
अब पानी है कितना, एक, हिंदू बटा एक कितना आएगा, दो। तीसरा अगर दल मिल लीजिएगा तीन, अब पानी है कितना, दो, तीन बटा दो यानी कितना 1.5, डेढ़। और चौथा बटन लीजिएगा मिल्क और वाटर, तो मिल्क है कितना 7, वाटर है कितना 4, यानी इसको काटेगा तो कितना जाएगा, तो आ जाएगा 4 × 4 = 1, और यहाँ जाएगा कितना 3.3, यानी 7 × 4 = 28, 1.7। तो बताइए सबसे कम किस बर्तन में है, सबसे कम कहाँ आ रहा है, 1.5 आ रहा है, 1.5 का है, सबसे कम है, 2 से भी कम है, 1.6 से भी कम है, 1.7 से भी कम है, यानी 1.5 सबसे कम है। इसका मतलब तीसरा बर्तन में जो है वो क्या जाएगा, दूध की मात्रा पानी के तुलना में कम है, ठीक है, दूध की मात्रा पानी की तुलना में कम है, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी। देखिए इसी क्वेश्चन में आपको पलट सकता था कि बताइए दूध की मात्रा सबसे कम किस बर्तन में होगा, लेकिन तुलना कर देगा मिश्रण में, ठीक है, मिश्रण बोलेगा, कर देगा यहाँ पर किस पात्र में मिश्रण के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, मिश्रण के सापेक्ष, जब मिश्रण बोलेगा ना तो बट्टा में यहाँ दोनों को जोड़िएगा, मिश्रण करता है दोनों को जोड़कर 5 और 3 = 8, तो मिल्क ऊपर और मिश्रण पूछता तो मिश्रण दोनों को जोड़कर, लेकिन मिश्रण की तुलना में किया किससे, पानी से, तो पानी नीचे मिल्क ऊपर, मिल्क ऊपर पानी नीचे, मिल्क ऊपर पानी नीचे, मिल्क ऊपर पानी नीचे, तो सबसे कम हुआ 1.5, इसलिए कौन सा जाएगा, तीसरा। आइए 12वां क्वेश्चन, तो ये भी है पार्ट 3 का वीडियो, जो पार्ट 3 में हम पढ़ाए थे, पार्ट 3 में उसी का क्वेश्चन है, जो हम मांगे थे पार्ट 3 में वही का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ए तथा बी मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, यानी दो मिश्र धातु है ए और बी, तो ये एगो मिश्र धातु ए और ये मिश्र दूसरा मिश्र धातु है बी, तो ए मिश्र धातु में सोना और तांबा, तो ए से मान्यता है सोना और टी से तांबा, इसे ही मान्यता है इस सोना, ये क्या सोना और ये क्या हुआ तांबा, का देश इतना है, इन दोनों धातुओं के समान मात्राओं, इन समान मात्रा मतलब का दोनों से बराबर बराबर मात्रा, मतलब दोनों से बराबर बराबर मात्रा लेकर के और करा इसको पिघला दिए, अब पिघलाने के बाद एक तीसरा मिश्र धातु सी बन जाएगा, तो सी में सोना तांबा कितना, तो कल ही बताए थे पार्ट 3 का वीडियो में कि अगर समान बोले समान धारता वाला, तो अगर दोनों बर्तन को मिला करके तीसरा बर्तन में डाल दिया तो क्या करते हैं टोटल मिल्क और टोटल वाटर, तो यहां भी क्या करेंगे टोटल सोना और टोटल तांबा, ठीक है, यानी दोनों को मिला दिया समान मात्रा में तो एक तीसरा मिला बन गया, तो देखते हैं कि दोनों को मिलाने के बाद टोटल सोना कितना होता है, यानी कुल सोना, तो टोटल सोना निकालिए, टोटल सोना, तो टोटल सोना कितना जाएगा, तो बताइए इसमें सोना कितना है 5 है, कितना मिश्रण है 5 × 3 = 8 में, 5 × 8 वक्त सोना है, इसमें कितना सोना है तो 5 है, कितना में 11 × 5 = 16 में, यानी 5/16 था, एलसीएम लीजिएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 16 10 × 5 = 15/16 भाग, टोटल तांबा निकालिए तांबा, ठीक है टोटल तांबा, तो तांबा कितना है, तो देख पहला में तांबा कितना है तो 3/8 भाग, और दूसरा में तांबा कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 11/16 भाग, इन लीजिएगा तो 16 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 11 = 17, 17/16 भाग, अब 15/16 और 17/16 को रेशियो में बैठाइएगा तो 16/16 कट जाएगा, यानी कितना जाएगा 15:17 का रेशियो में, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा 15:17, सी नंबर, ऑप्शन जा रहा है सी नंबर, यानी कल बताए थे टोटल मिल्क और टोटल वाटर, तो दोनों को बैठाएंगे तो रेशियो निकल जाएगा मिल्क और वाटर, तो उसी तरह क्वेश्चन था कि टोटल सोना और टोटल तांबा कितना, दोनों को मिला दे यहां से निकल गया अनुपात में 15:17, यानी ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। तो आज का वीडियो इतने ही तक रहने देते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है उसका जरूर से जरूर आपको सोल्यूशन करके हमें बताइए, हमको अनुभव होता है उससे हमको पता चलता है कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, सब आप बताइए।